हिप डिसलोकेशन मतलब वंक्षण संधि मोक्ष हिप जॉइंट जो हमारा होता joint, का, है सॉकेट का, का काम कर रही है ह्यूमरस का हेड वहां पे बॉल की तरह काम कर रहा है तो ये दोनों आपस में बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है तो स्टेबिलिटी होती है जो फीमर है वो क्या है उसका हेड अच्छे से मूव कर सकता है इसकी वजह से तो बहुत यानी स्टेबल जॉइंट है हमारा जो हिप जॉइंट है ना वो स्टेबल है एज कंपेयर टू शोल्डर जॉइंट क्योंकि हमारी देखिए शोल्डर जॉइंट में क्या होता है जो ग्लिनोइड कैविटी है उससे ज्यादा बड़ा साइज होता है हमारे ह्यूमरस के हेड का तो इतना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो भी लेकिन इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है उसकी जितनी हिप जॉइंट की हमारे होती है ठीक है द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट आर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द डिसलोकेशन कॉजेज की अगर आप बात करें तो पहले है इसमें कॉज है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो होते हैं या फिर फॉल फ्रॉम अ लेडर किसी सीढ़ी से कोई गिर जाए तब हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं देन इट मोस्टली अकर व्हेन हिप इज फ्लेक्स्ड एंड एडक्टेड अगर किसी का हिप फ्लेक्स्ड हो और एडक्टेड हो तब अगर कोई उस पोजीशन में गिर जाए तब डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं टाइप्स की अगर आप बात करें क्लासिफिकेशन जो हिप डिसलोकेशन है वो दो तरीके की वजह से हुआ तो पैथोलॉजिकल पैरालिटिक और ट्रोमैटिक पैथोलॉजिकल का मतलब जैसे टीबी का पेशेंट या अर्थराइटिस का पेशेंट है उनमें होने के चांसेस तो विच अकर्स ड्यू टू सम अदर पैथोलॉजी तो पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन पैरालिटिक का मतलब क्या होता है मसल की पैरालिसिस की वजह से होगा जैसे पोलियोमाइलाइटिस में कॉमन है थर्ड है हमारा ट्रोमैटिक डिसलोकेशन ट्रोमैटिक जो डिसलोकेशन होती है हिप जॉइंट की वो तीन तरीके के पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंटीरियर डिसलोकेशन एंड द सेंट्रल डिसलोकेशन जो हमारी हेड uh, है फीमर का इट इज वेल कवर्ड बाय दुलम कैविटी एंड देर आर स्ट्रांग लिगामेंट टू री एनफोर्स द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइट एंड देर इज अ स्ट्रांग मसल आउटसाइड द हिप जॉइंट एंड बोन टू प्रोटेक्ट इट यानी आपके पास क्या यहाँ पे बताया कि लिगामेंट भी है जो जो हिप uh, जॉइंट uh, का जो कैप्सूल है उसको फोर्स देते हैं कि uh, उसी पोजिशन में वो रहे आस पास बहुत स्ट्रांग मसल है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है तो इस इन वजह से अनकॉमन है हिप बोन का डिसलोकेशन या हिप जॉइंट का डिसलोकेशन होना अनकॉमन है थोड़ा लेकिन फिर भी हो जाए तो किन किन कारणों की वजह से होता है पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन कैसे हो पोस्टीरियर नाम से ही पता चल गया एसिटाबुलम कैविटी से फीमर का हेड निकल के पीछे की तरफ चला गया तो वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है इट इज ओनली पॉसिबल वेन द हिप इज फ्लेक्सड एंड एडक्टेड जब हिप आपका फ्लेक्स्ड है और एडिक्टेड है उस टाइम पे अगर कोई फोर्स अप्लाई हुआ या आप उस में ही गिर गए तब जो हेड ऑफ है वो क्या हो जाएगा पीछे की तरफ चला जाएगा यानी एसिटाबुलम कैविटी से पोस्टीरियरली चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है या और क्या कारण हो सकता है दिस टाइप ऑफ फोर्स कॉमन इन कार एक्सीडेंट जैसे अगर आप कार में बैठे हैं एक्सीडेंट हुआ अगर तो नी है जो पर्सन का वो स्ट्राइक करता है ओवर द डैशबोर्ड जिसकी वजह से जो हिप है वो सडन सडन ब्रेक आप लगाते हो ना कार में तो आगे जो आपका नी है वो डैशबोर्ड से लगा और जो हिप है मतलब जो फीमर का हेड है वो निकल के पीछे की ओर चला जाएगा ना आगे फोर्स लगी है तो तो इसको हम इसी वजह से डैशबोर्ड डिसलोकेशन भी बोलते हैं यानी डैशबोर्ड पे लगने की वजह से जब पीछे की तरफ गया तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन को आप डैशबोर्ड डिसलोकेशन भी बोलते हैं क्लिनिकल फीचर इसमें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप देखोगे द लेग बिकम शॉर्टर उसकी जो लेग है जिसमें डिसलोकेशन हुआ वो छोटी हो जाएगी क्यों हिप वो स्लाइटली फ्लेक्स करके और इंटरनली रोटेट करके रखेगा जब पेशेंट आपके पास आया तो हिप उसका फ्लैक्शन और इंटरनली रोटेटेड सिचुएशन में होगा इस वजह से जो लेग है वो आपको छोटी लगेगी पेशेंट की पेन होगा सीवियर उसको और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो भी मूवमेंट हम करते हैं ट्रीटमेंट सॉरी एक बार कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है एसोसिएटेड फ्रैक्चर हो सकता है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फिमोरल हेड देन वी कम टू द ट्रीटमेंट जनरल एनेस्थीसिया देके आपको पेशेंट को क्या करना है स्किन ट्रैक्शन देनी है फोर टू सिक्स वीक तक या फिर रिडक्शन करना है रिडक्शन में क्या करते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटा के जो सर्जन है उसको क्या करना है उसके नी को फ्लेक्स करना है ठीक है फ्लेक्स किया और ट्राई करना है कि जो हेड है फीमर का वो एसिटाबुलम कैविटी में आ जाए तो ये क्या है ये चीजें बार बार प्रैक्टिस से आती है कि, कि किस तरीके से उसको लेके आना है आप अभी अगर आपको कोई चीज पता नहीं है आपने ऐसे पेशेंट को हैंडल नहीं किया तो आप उसको जाके आगे हैंडल नहीं कर सकते हैं यानी सर्जन ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस तरीके से किस मेथड से उसको रिडक्शन करते हैं यानी नॉर्मल पोजिशन में उसको लेके आते हैं तो चार से छह हफ्ते के लिए स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं आप फिर इमोबिलाईज कर सकते हैं उसको देन आता है हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट इट इज अ रेयर टाइप ठीक है ये कब होगा जब आपकी फीमर एक्सटर्नली रोटेटेड है मतलब लेग एज एक्सटर्नली रोटेटेड और एबडक्टेड हो तब आप गिर गए ये एंटीरियर डिसलोकेशन मेनली कैसे पर्सन में देखने को मिलेगा जो एक पैर तो जिसका किनारे पे है कोई रिवर पे है कोई तो एक पैर तो रिवर पे है और दूसरा बोट में रख दिया और बोट स्लिप हो गई उसकी वजह से जो हिप है उसकी एंटीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलती है क्लिनिकल फीचर में क्या होगा ऑन इंस्पेक्शन आप देखोगे अ टिपिकल एटीट्यूड ऑफ द लोअर लिम इन द एंटीरियर डिसलोकेशन इज फ्लेक्शन एबडक्शन एंड एक्सटर्नली रोटेटेड इसमें जो लेग होगी पेशेंट की वो फ्लेक्स करके रखेगा बाहर की तरफ रोटेट करके रखेगा और एबडक्टेड रखेगा याद रखिएगा आप ये चीज जो हमारा एंटी पोस्टीरियर डिसलोकेशन था हिप जॉइंट का उसमें पेशेंट अपनी टांग जब आपके पास आएगा तो उसकी लेग कैसी होगी फ्लेक्सड होगी और इंटरनली रोटेटेड होगी पोस्टीरियर डिसलोकेशन में एंटीरियर डिसलोकेशन में फ्लैक्सड होगी लेकिन एक्सटर्नली रोटेटेड होगी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं फ्यूमोरल नर्व की इंजरी या फिर ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है फिमोरल हेड का ट्रीटमेंट क्या करना है जनरल एनेस्थीशिया देके रिडक्शन करना है या फिर ट्रैक्शन से भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और इमोबिलाईज करना है देन हमारा आता है सेंट्रल डिसलोकेशन इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम ऑन साइड ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर की साइड से अगर कोई पेशेंट गिर जाए तो क्या होगा जो एसिटाबुलम कैविटी है उसका मे बी फ्लोर का फ्रैक्चर हो जाए जिसकी वजह से क्या होगा या फिर और पेल्विक की जो बोन है उनका फ्रैक्चर हो जाता है तो वो सेंट्रल डिसलोकेशन हमारी आती है इसमें क्या होगा लोअर लिम नॉर्मल पोजिशन में होगी एंटीरियर uh, या पोस्टीरियर में वो छोटी हो जाती है ना ले क्योंकि पेशेंट उसको फ्लेक्स और एक्सटर्नली या इंटरनली रोटेट करके रखते हैं तो टांग छोटी लगती है लेकिन इसमें नॉर्मल पोजिशन में होगी स्वेलिंग जो है वो ट्रोकेंट्रिक एरिया में दिखेगी और एक्सट्रीमली टेंडर होगा जैसे ही ग्रेटर ट्रोकेंटर है जो हिप का वहां पे आप प्रेशर देते हो तो टेंडरनेस होगी मूवमेंट नहीं कर पाएगा पेशेंट उस ज्वाइंट की ट्रीटमेंट इसमें भी क्या करें रिडक्शन करना है अंडर जनरल एनेस्थीसिया फिर लेग को इमोबिलाईज करके रखना है चार से छह हफ्ते तक फिर हमारा आता है आयुर्वेद अनुसार आयुर्वेद अनुसार उन्होंने बोला कि अगर श्रोणी या संधि मोक्ष हो तो चक्र योग से उसको स्थापित करना है और फिर बंधन करना है यानी बैंडेजिंग करने को बोला तो चक्र योग का प्रयोग करने को बोला है तो ये हमारा है हिप डिसलोकेशन